रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल उजेर में मैं फिर से आपको एक बार वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे हम एक लार्ज पीडीएफ फाइल को उसकी साइज को डिक्रीज करके एक स्मॉल पीडीएफ फाइल में ला सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं या किसी और चीज़ को लिखते हैं तो उनका साइज बड़ा होता है। अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो वो कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ साइज उनके छोटे हो जाते हैं। तो जब हम बड़े साइज वाले पीडीएफ फाइल को किसी को सेंड करते हैं तो वो सेंड नहीं हो पा रहे होते हैं। तो इसलिए हम कैसे हम उस बड़े लार्ज फाइल पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करके स्मॉल पीडीएफ फाइल में ला सकते हैं, तो आज की इस वीडियो हम इंशाल्लाह ताला ये सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं गूगल को कर रहा हूँ, और आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है आई लव पीडीएफ। आपने क्या सर्च कर लेना है? आई लव पीडीएफ, इसको सर्च कर लेना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो www.ilovepdf.com ये वाली जो वेबसाइट है आई लव पीडीएफ, इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कंप्रेस पीडीएफ। तो आपने ये कंप्रेस पीडीएफ पे ऊपर क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं इसके नीचे लिखा हुआ है रिड्यूस फाइल साइज वाइल ऑप्टिमाइजिंग फॉर मैक्सिमल पीडीएफ क्वालिटी। तो आपने कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। जब आप कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो कुछ किस तरह का इंटरफेस आपके पास देखने को मिलेगा। तो आपने सेलेक्ट पीडीएफ फाइल को ऊपर क्लिक कर लेना है। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपने उस लोकेशन को फाइंड कर लेना है जहां आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। तो मैं यहां पे लोकेशन में जाता हूं। आपको वो यहां पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस असाइनमेंट नंबर 2, जो इसको ओपन कर लेता हूँ और उसका साइज़ देख लेता हूँ क्या साइज़ है इसका। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंप्रेस पीडीएफ, ये इसको ये आप देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 8.7, या आप इधर देख सकते हैं 8.78 MB की फ़ाइल है ये। कितने MB में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो तब तक मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने डाउनलोड में जाना है। जैसे ही आप डाउनलोड में जाएंगे तो पहले मैं आपको वो फ़ाइल दिखा देता हूँ कि जिसकी साइज़ क्या थी। ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 2 8.8 MB की साइज़ है। डाउनलोडिंग के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये इसकी साइज़ कितनी बन गई है। ये आप देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 2 डाउनलोड हो चुकी है, 301 KB की साइज़ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये इसके डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 301 KB की साइज़ है। तो इस तरह से हम अपनी लार्ज पीडीएफ फाइल को छोटे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।